जो आप ये देख पा रहे हैं, और इसमें देखो इंसेक्ट, देखो ध्यान से, इसमें जो फील्ड का मेल इंसेक्ट है वो उस छेद के थ्रू अंदर गया और इस तरह से कंट्रोल हो जाता है पूरे फील्ड में, और ये ऑर्गेनिक है विदाउट फसल को नुकसान पहुंचाए। ये है लूर और उस डिब्बी में है जो इंसेक्ट जो एनवायरनमेंट से कंट्रोल किए गए हैं, तो ये आसानी से मिल जाते हैं हमें, और इस तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको फील्ड में हूँ और जानकारी देना चाहती हूँ कि फेरोमोन ट्रैप होता क्या है और वो किस तरह से हमारे फील्ड में इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लटें नहीं होंगी और हमारी फसल ख़राब नहीं होगी और एक तरह से ऑर्गेनिक भी है। तो यहाँ पर है ये फेरोमोन ट्रैप, ये जो दिख रहा है ना फेरोमोन ट्रैप, इसके अंदर है ना एक ल्यू डाली हुई है जो क्या करती है, इसमें जो एक ल्यू डाली हुई है वो क्या करती है कि वो एक फीमेल इंसेक्ट की उसके में अंदर खुशबू होती है, और जितने भी इस फील्ड के अंदर मेल इंसेक्ट होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अंदर क्या है फीमेल की जो लूर है वो उसमें से खुशबू आती रहेगी। इससे क्या होगा कि सारे मेल होंगे वो यहाँ पर आएंगे और अंदर, जैसे कि एक छोटा सा छेद है मैंने दिखाया और अंदर इंसेक्ट जाता हुआ भी दिखाया, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे कलेक्ट हो गए हैं, तो चारों जितने भी मेल हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और फील्ड में जब फीमेल अकेली रह जाएगी और इनका मिलन नहीं हो पाएगा तो एक लेइंग नहीं कर पाएंगी, जब अंडे नहीं देंगे तो आगे की प्रोसेस शुरू नहीं होगी और जैसे कि लटे नहीं होगी और हमारा कंट्रोल हो जाएगा, बायो कंट्रोल हो जाएगा इस तरह से इंसेक्ट का। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये एक छोटी सी डब्बी है और ये मार्केट में भी इजीली किसानों के मार्केट में इजीली जहाँ पर एग्रीकल्चर की शॉप है वहाँ मिल जाती है। ये लूर है, अंदर जो टिकिया है उसको हर 7 दिन के अंदर हमें बदलनी होती है।